हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज शुभम और मुझे पता है भाई, अपनी नैनो का जो ब्लॉग है वो बहुत दिन से नहीं आया था। एंड सच में यार, मेरे को टाइम मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, पता है। लाइक बस और थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इसकी वजह से मेरा मन नहीं कर रहा था कि कुछ भी करूँ। ऊपर से फिर मेरे शॉर्ट वीडियो जो है वाले भी ढंग से बन नहीं पा रहे, तो अभी थोड़ा सोचा कि अभी काम पे ध्यान देते हैं और ब्लॉग भी बनाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि भाई चल क्या रहा है क्या नहीं। और नैनो की हालत तो ठीक है, बट दो चार दिन से थोड़ी सी तकलीफ़ कर रही है, क्योंकि वो बैटरी में जो जम जाता है ना सल्फेट, फिर से वही प्रॉब्लम कर दिया था। तो मैंने फिर से उसको क्लीन करके लगाया तो है, लेकिन उसका टर्मिनल का जो सेटअप है ना वो थोड़ा सा ढीला है, तो उसकी वजह से कभी कभार प्रॉब्लम कर देती है। अभी बीच में तो भाई तीन ऐसा होता था कि गाड़ी का जो बैटरी है एकदम ही छोड़ देती थी, बिल्कुल बंद हो जाती थी गाड़ी, बंद और लाइटें बंद, सब कुछ बंद। फिर जैसे जैसे मैं इसको साइड में लगा कि उसके बाद इसको थोड़ा सा टर्मिनल हिलाता था तो फिर कनेक्शन वापस आता था, तो ऐसे ही यूज़ किया। फिर उसके बाद फिर मैंने घर पे जाके इसको ढंग से क्लीन करके साफ़ किया, तो वो सर्फ के पानी से बराबर हो जाता है, बाकी और कुछ काम नहीं करता। सर्फ का पानी होता है ना, उसको उससे पहले धो देने का, उसके बाद आराम से कोई सैंड पेपर से या फिर कुछ किसी से साफ़ कर दो। फिर उसके बाद वैसलीन लगा के टर्मिनल फिट करके, अब प्रॉब्लम ये तो सीट के नीचे है, सीट के नीचे वाली यार ये बहुत दिक्कत करती है भाई। अगर ये थोड़ी बाहर लगा देते तो बैटरी को बाहर फिट कर सकते थे, बहुत सारी जगह है वहाँ पर, लेकिन बैटरी बाहर फिट हो जाती तो बहुत ईजीली काम हो जाता, अपना प्रॉब्लम वो जो है सॉल्व हो जाती और वो आराम से उसको मेंटेन करना भी ईजी होता। लेकिन ये सीट के नीचे ना बहुत तकलीफ़ होती है भाई, प्रॉब्लम ये करती है बस। बाकी तो ठीक है अभी भाई, बड़ौदा में तो भाई गर्मी पड़ने लगी है और मैं देखो अभी विंडो खोल के चला रहा हूँ। एसी मैं इसलिए नहीं चला रहा क्योंकि फिर एसी में क्या है ना, गाड़ी पावर कम जनरेट करती है, तो फिर धीरे तो धीरे धीरे हो जाता है, फिर ऊपर से पेट्रोल भी ज़्यादा खाती है, तो फिर प्रॉब्लम भी है। और ये थोड़ी सी एक जगह को भाग रही है, मुझे लगता है इसका ना भी बैलेंसिंग वगैरह करवाना पड़ेगा, तो बैलेंसिंग भी करवाएंगे। बाकी तो बढ़िया है भाई,